हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैंने आज एक 9 से 10 साल की बिटिया का हाफ स्वेटर बनाया। तो ये मेरी पास 3 प्लाई की ऊन है। तो इसका मैंने क्या करा कि ये लटक जाता है ज़्यादा, तो इसको मैंने एक तार इसमें से निकाल लिया। ये 3 प्लाई वाली वो ऊन होती है ये, तो इसमें से मैंने एक धागा निकाल लिया और 2 धागे रखे हैं। तो इस तरीके से ये 2 धागे मैंने रखे हैं और एक मैंने अलग कर दिया, क्योंकि फिर ज़्यादा नहीं लटकता है फिर स्वेटर। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया, लेकिन मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया स्वेटर, इस तरीके का बी गले का, क्योंकि ये अंदर से हाफ स्वेटर अंदर से पहनने वाला हाफ स्वेटर है। इस तरीके से प्लेन बनाया। तो ये बनाया मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया ये, और इसमें मैंने बॉर्डर डाले हैं 2 सीधा 2 उल्टा। ये भी मैंने 10 ही नंबर से बनाया, नीचे से ऊपर तक मैंने एक ही सिलाई लगाई है, क्योंकि एकदम बराबर आना चाहिए इसलिए। और ये मैंने मुड्डे, ये भी मैंने मुड्डे में तो सिर्फ मैंने 11 नंबर की सिलाई लगाई मुड्डे में और गले में, कि ज़्यादा ना लटके। तो इस तरीके से मैंने बी गले में बनाया। अब मैंने इसमें फंदे उठाए, यहाँ से जहाँ से मैंने ये फली घटाई है, यहाँ से यहाँ तक मेरे 60 फंदे हैं। 60 फंदे उठाए क्योंकि पतला है धागा, कि ताकि टूटे ना धागा, एकदम से कच्चा हो जाता है। फिर जब एक पलाई हम निकाल लेते हैं तो फिर वो कच्चा हो जाता है धागा, तो इसलिए मैंने ये इसमें फिर टाइट टाइट घटाई कर दी है। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने 60 फंदे उठाए, 60 इधर 60 इधर उठाए हैं। और पीछे मेरे रह गए थे पीछे 46 फंदे, तो 46 फंदे मैंने पीछे रखे हैं। ये मेरे पीछे 46 फंदे हैं, तो इसमें मैंने 4 फंदे और बढ़ा के तो मैंने 50 फंदे कर दिए थे, ताकि गले की शेप अच्छी बैठे। तो गला अच्छा दिखता है तो स्वेटर का गेटअप आ जाता है। तो ये मैंने प्लेन बनाया, इसलिए मैंने बुनते हुए वीडियो नहीं बनाई है। तो इस तरीके से ये, तो थोड़ा जिसके लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा बच्चा हेल्दी सा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा लूज बनाया। और इसकी अभी मैं सिलाई करनी बाकी रह गई है। इस तरीके से बनाया है देखो। अब इसमें मैंने 9 सिलाई तो मैंने बनाई है, और 10वीं सिलाई में मैंने फंदे बंद कर दिए हैं। और मुड्ढे में भी मैंने उतना ही बनाया, 9 सिलाई बना के 10वीं सिलाई में मैंने बंद कर दिया इस तरीके से। अब इसकी लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ कि किस हिसाब से कितने ग्राम में बना, तो ये बता देती हूँ कि कितने में बना। तो ये प्लेन स्वेटर था, इसलिए मैंने आपको वीडियो नहीं बनाई है, सिर्फ ये दिखा रही हूँ, इसका मेजरमेंट दिखा रही हूँ, इसकी लंबाई चौड़ाई वजन सब बता दूँगी। इसकी लंबाई जो है, टोटल लंबाई इसकी 22 इंच है। यहाँ तक ये 22 इंच है, 22 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, पर चलो 22 इंच है। इसकी लंबाई मैंने 22 इंच तक बनाई है। और मुड्डे से नीचे मैंने 1 मोल की घटाई करी, वहाँ से 17 इंच है मेरा। 17 इंच पहले मैंने लंबा बना लिया था, और उसके बाद फिर मैंने मुड्डे से ऊपर 7.5 इंच बनाया था, सात इंच है मेरा। जब मैंने घटाया था मुट्ठे की घटाई जो थी, घटाने के बाद मैंने 7 इंच बनाया। तो जब हम फंदे उठाते हैं तो थोड़ा सा फिर कम हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा कम फंदे उठाते हैं। तो इस तरीके से गोलाई देने के लिए कम फंदे उठाने होते हैं मुट्ठे में। तो इसमें भी मैंने 60 फंदे इधर उठाए, 60 फंदे इधर उठाए। तो यहाँ पे मैंने, जैसे हम गले में फली घटाते हैं, तो हम इसको हर सीधी सिलाई पे एक फंदा इधर से घटाएंगे और एक फंदा इधर से घटाया, तो इसलिए थोड़े से फंदे कम हो जाते हैं। तो इसकी गटअप बहुत अच्छी आती है इस तरीके का, जैसे हम बाजू बनाते हैं, तो देखो इस तरीके से ये गटअप आ जाता है इसका। तो आई होप आपको पसंद आएगा, तो आप भी इसी तरीके से बनाओगे और कमेंट करके बताना अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो। अब मैं इसकी वजन बता देती हूँ कि
कितने ग्राम में बन गया ये, क्योंकि एक धागा इसका निकल गया तो ये और हल्का हो गया। स्वेटर एकदम सॉफ्ट है और बहुत ही हल्का स्वेटर है, बच्चा बाहर से भी पहन सकता है और स्कूल वाले बच्चों के लिए अंदर से भी, स्कूल की ड्रेस के अंदर बिल्कुल हल्का रहेगा स्वेटर, तो अंदर से भी पहनने वाला स्वेटर है ये और बाहर से भी एकदम सॉफ्ट ऊन है, गर्म ऊन है ये, तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मेरा स्वेटर सिर्फ 220 ग्राम में बन गया, काफ़ी बड़ा है स्वेटर, तो 220 ग्राम में देखो कितना हल्का सा स्वेटर और कितना सॉफ्ट सा है, एकदम से अच्छा सा है। तो आप भी ऐसे ऊन लेके और एक तार निकाल के बना सकते हो, वैसे ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ज़रा थोड़ा सा एक तार में क्या होता है जब पतला हो जाता है थोड़ा बीच में टूट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर दो जने खोलेंगे गोले को तो एकदम आराम से खुल जाता है। और पीछे के देखो, पीछे के हिस्से में मैंने कोई पीछे घटाई नहीं करी है, पूरा लेके गई। अरे दोनों मुड्ढे जोड़ने के बाद अपना जो फंदे बचे थे, 46 फंदे बचे थे, और इसमें डाले हैं मैंने, इसमें मेरे 118 फंदे हैं, 118 फंदों का बनाया था मैंने ये, तो फिर भी थोड़ा लूज है, पर कोई बात नहीं, अंदर तो बच्चे को पहनना है तो थोड़ा लूज भी, बाहर भी पहन सकता है, कपड़ों के ऊपर भी पहन सकता है, क्योंकि ज़्यादा टाइट होता है तो एकदम टूटता है धागा, खिंच जाता है, और लूज बनाओगे तो लूज अंदर से भी पहन सकते हो और कपड़ों के ऊपर भी पहन सकते हो, क्योंकि लूज रहेगा तो और कपड़ों के ऊपर भी स्वेटर आ जाएगा और ज़्यादा खींचेगा नहीं। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा से फिर बता सकती हूँ, अगर इसमें अगले स्वेटर में मैं डिज़ाइन डालूँगी तो आपको मैं डिज़ाइन वाला स्वेटर भी बता दूँगी। थैंक यू।